Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और बच्चों अब इसकी हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, जो अभी आपको क्वेश्चन कराया इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। पहली एंट्री है अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने जनरल एंट्री पास करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग बड़े ध्यान से समझना बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अपने माइंड में जनरल एंट्री को रखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ध्यान से सुनना, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश को हमने डेबिट कर दिया, कैपिटल को हमने क्रेडिट कर, कैश में नाम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और कैपिटल में नाम लिखेंगे कैश अकाउंट। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखा जाता, दूसरे का नाम लिखा जाता है। जैसे मैं को मान लो सागर से पैसा मिला तो मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा सागर ने पैसा दिया, सागर अपनी बुक्स में लिखेगा सर को पैसा दिया, तो हमेशा दूसरे का नाम लिखा जाता। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दोबारा से बोलता हूं, कैश को डेबिट कर दो, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैश में कैपिटल लिख दो और कैपिटल में कैश, एम आई राइट? ये होती है लेजर पोस्टिंग। फिर से चलते हैं अगली एंट्री, बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदी तो एंट्री हुई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो परचेज डेबिट होनी है, ये मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, और कैश क्रेडिट होनी है, कैश को क्रेडिट कर दिया। कैश में वर्ड लिख दूंगा परचेज अकाउंट और परचेज में वर्ड लिख दूंगा कैश अकाउंट, और डेबिट साइड पे टू और क्रेडिट साइड पे बाय तो होता ही है। आपको ये समझना है कि लेजर की, जैसे लड़कों को मिस्टर और फीमेल्स को मिस या मिसेस कह के बुलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लेजर्स में डेबिट साइड पे हर चीज को टू से और क्रेडिट साइड में हर चीज को बाय से डिनोट किया जाता है। अगर आप नहीं लिखना चाहो, जैसे कई जगह पर ऐसा बोला जाता है कि आजकल टू और बाय का फैशन नहीं है, जब हम जनरल एंट्रीज में नरेशन लिखते हैं तो उसमें फॉर और बींग का फैशन नहीं है, इट्स ओके, बहुत जगह पर अब ये चीजें हट गई हैं, तो आप लिखें ना लिखें इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके स्कूल, आपके स्कूल टीचर्स या जैसा भी आपको कहा गया, लेकिन बेसिकली ओरिजिनली टू और बाय लेजर में होता है, इसलिए हम हर जगह पर लेजर में डेबिट साइड पर टू और क्रेडिट साइड पर हर जगह पर बाय डिनोट करेंगे, ठीक है। ये दो एंट्रीज की पोस्टिंग हो गई। ओपन बैंक अकाउंट विद कैश, ये थर्ड एंट्री है, तो जनरल एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट करनी है, कैश क्रेडिट कर दिया, कैश में नाम लिखा जाएगा बैंक का और बैंक में नाम लिखा जाएगा कैश का। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, हम जो अभी कर रहे हैं दिस इज लेजर पोस्टिंग, दिस इज लेजर पोस्टिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सो कैश डेबिट हो रहा है 40,000 और सेल्स क्रेडिट हो रहा है 40,000, सेल्स में नाम लिखा जाएगा कैश और कैश में नाम लिखा जाएगा सेल्स, ठीक है जी। लेजर पोस्टिंग सारे नामों के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, ये लेजर पोस्टिंग। देखो एक होता है जनरल एंट्री, हमने कर लिया, अब जो मैं सिखा रहा हूं लेजर पोस्टिंग है, और इसके बाद लेजर बैलेंसिंग करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन इजी बहुत होता है। नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्य ऑन क्रेडिट, एंट्री आपने परचेज की करी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सूर्य, सो परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट और सूर्य क्रेडिट, सूर्य को क्रेडिट कर दें आप,
सूर्य में नाम लिखा जाएगा परचेजेस अकाउंट का और परचेजेस अकाउंट में नाम लिखा जाएगा सूर्य का। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों, सोल गुड्स टू राकेश ऑन क्रेडिट। सोल गुड्स टू राकेश ऑन क्रेडिट, तो एंट्री हमने क्या पास करी होगी, राकेश डेबिट टू सेल्स, राकेश डेबिट टू सेल्स। सो राकेश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रही है। सेल्स में नाम लिख दिया राकेश का और राकेश में नाम लिख दिया सेल्स का। ध्यान से, ये हमारा राकेश अकाउंट है, राकेश अकाउंट। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज प्लांट एंड मशीनरी एंड पेड बाय चेक, तो एंट्री पास करी होगी हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी को हमने बच्चों डेबिट करना है और चेक से पेमेंट की है तो बैंक को क्रेडिट करना है, और बैंक में लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग बैंक लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। पेड टू सूर्या इन कैश, एंट्री बनी सूर्या डेबिट टू कैश, तो सूर्या डेबिट, सूर्या को डेबिट करते हैं बच्चों, ये रहा, और कैश क्रेडिट, कैश को क्रेडिट कर देते हैं बच्चों। कैश में नाम लिखा जाएगा सूर्य का और सूर्य में नाम लिखा जाएगा कैश का। आप समझ रहे हैं, इस तरह से जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग होती है। रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम अनिल, बैंक अकाउंट डेबिट 8000, बैंक अकाउंट डेबिट 8000 और अनिल्स लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एंट्री रिपीट करता हूं, बैंक डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, तो बैंक को मैंने डेबिट किया और अनिल लोन को क्रेडिट कर रहा हूं। अनिल्स लोन में नाम लिखा जाएगा बैंक का और बैंक में नाम लिखा जाएगा टू अनिल्स लोन अकाउंट का। गुड्स रिटर्न टू सूर्य, तो डेबिट द रिसीवर, सूर्य डेबिट टू परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, सूर्य डेबिट, सूर्य डेबिट ये रहा और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट 1000। रिटर्न आउटवर्ड में नाम सूर्य का लिखा जाएगा और सूर्य में नाम रिटर्न आउटवर्ड्स का लिखा जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो बैंक क्रेडिट हो रहा है 5000 से और ड्रॉइंग्स को मैं डेबिट कर दूंगा बच्चों 5000 से। ड्रॉइंग्स डेबिट है बैंक के नाम से और बैंक क्रेडिट है ड्रॉइंग्स के नाम से। ओके, पेड टू सूर्य बाय चेक, तो सूर्य डेबिट टू बैंक अकाउंट, सूर्य डेबिट 8000 से, बैंक क्रेडिट 8000 से, बैंक में सूर्य का नाम लिख दिया जाएगा और सूर्य में बैंक का नाम लिख दिया जाएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश, सो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश, कैश डेबिट हो जाएगा 10000 से और राकेश क्रेडिट हो जाएगा 10000 से। राकेश में नाम कैश अकाउंट लिख दिया जाएगा और कैश में नाम राकेश का लिख दिया जाएगा। इनके सामने इनकी हम लोग डेट्स तो साथ साथ मेंशन कर ही रहे हैं। परचेज स्टेशनरी बाय कैश, तो एंट्री स्टेशनरी डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है बच्चों और स्टेशनरी को मैं डेबिट कर दूंगा 200 से। स्टेशनरी में वर्ड लिख दिया जाएगा कैश अकाउंट और कैश में ऊपर वर्ड लिख दिया जाएगा स्टेशनरी अकाउंट। इसी तरह से वेजेस एंड सैलरीज पे करी, तो एंट्री हुई वेजेस एंड सैलरी डेबिट टू कैश, सो वेजेस एंड सैलरी डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया
10,000 से, ठीक है, कैश में नाम वेजेस एंड सैलरीज लिख दिया जाएगा और वेजेस एंड सैलरीज में नाम टू कैश लिख दिया जाएगा, राइट जी। सो ये हुई हमारी लेजर पोस्टिंग। दो स्टेप्स हम इस क्वेश्चन के पढ़ चुके हैं, जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग। अब हम इसके तीसरे स्टेप पे चलेंगे, लेजर बैलेंसिंग। अब मैं तुम्हें इसका बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा, डेबिट और क्रेडिट में कैसे बैलेंस किया जाता है, थोड़ा ध्यान से समझना आप। सबसे पहले कैश अकाउंट को बैलेंस करना सिखाता हूं आपको। आपके सामने अकाउंट है जो येलो मार्क है, उसकी लेजर पोस्टिंग हुई हुई है। इसमें आपने एक चीज का ध्यान देना है कि इन फिगर्स के साथ आपको यह चेक करना है कि डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। जैसे मैं अभी देख रहा हूं डेबिट में है 140,000 और 10,000, यानी कि 150,000 है। क्रेडिट साइड में 30,500, 50,000, 10,000, 10,000 और 200, रफली 110,000 के आसपास का टोटल है। तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, मैंने डेबिट का टोटल 150,000 रुपए दोनों साइड पर लिख दिया। जो टोटल ज्यादा हो उसको दोनों साइड पर आप मेंशन कर लें। उसके बाद क्रेडिट साइड पे जो टोटल कम आ रहा है, हम लोग ये जो फिगर्स लिखी हैं, इन सब फिगर्स का टोटल टोटल में से माइनस कर 30,500, 50,000, 10,000 और 10,000, इन सब का टोटल बना हमारा रफली 110,700। सो 110,700 रुपए 150,000 में से हम माइनस कर देंगे, बैलेंस आपका ये बच जाएगा 49,300 जो भी बैलेंस है, सॉरी 1,700,000 रुपए बन रहा है। 150,000 में से 1,700,000 रुपए माइनस करूंगा 1,700,000, तो बैलेंस विल बी 49,300। रिपीट करता हूं, दोनों साइड का पहले टोटल करके देख लो, जो ज्यादा टोटल हो उसको दोनों जगह पर मेंशन कर लो, दोनों जगह पर उसको मेंशन कर लो, जैसे 1,50,000, 1,50,000। अब इस 1,50,000 में से जो ये हमने पोस्टिंग्स की थी, इन सब के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर लो। 1,50,000 में से इसका टोटल मैंने माइनस किया, बाकी बचा 49,300। इसको लिख देते हैं हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट विल बी सेम, यानी कि लास्ट डेट ऑफ मंथ पे इसको बैलेंस कैरिड डाउन करते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। कैरिड डाउन का मतलब ये बैलेंस अब अगले महीने ले जाया जाएगा, कैरिड डाउन, सी डी, ठीक है जी। और यही सेम टोटल नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, ये आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट मई को रिवर्स साइड पर, जैसे क्रेडिट साइड पर बचा है ना, तो उसको डेबिट साइड पर फेंक देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। बी ऑब्लिक डी का मतलब ब्रॉड डाउन, ये मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, बी ऑब्लिक डी का मतलब ब्रॉड डाउन और सी ऑब्लिक डी का मतलब कैरेट डाउन। आपको याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, आप समझिए बी फॉर बिगनिंग सी फॉर क्लोजिंग। जब कोई अकाउंट क्लोज करना है तो कैरेट डाउन लिखना है, और फिर अगले महीने जब उसको ओपन करना है तो ब्रॉड डाउन लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। वही 49,300 आप लोग ब्रॉड डाउन करके ले आए, राइट। इसी तरह से अकाउंट नंबर टू, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अगर मैं देख रहा हूं तो सिर्फ एक ही पोस्टिंग आई है, बाय कैश अकाउंट 1,00,000। सो क्रेडिट साइड पर सिर्फ 1,00,000 है, तो क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा होगा ना, तो क्रेडिट का टोटल कर लिया हमने 1,00,000, और डेबिट पे क्योंकि कुछ भी नहीं था, 1,00,000 में से 0 माइनस किया तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 रुपए बच गया। सिर्फ क्रेडिट साइड पे 1,00,000 था, डेबिट पे कुछ था ही नहीं, तो डेबिट साइड पर बैलेंस बच गया 1,00,000, और उसको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 1,00,000 रुपए हमने ब्रॉट डाउन कर, ठीक है जी। परचेजेस अकाउंट देखते हैं बच्चों, डेबिट साइड पर ही है सिर्फ 30,500 एंड 30,000, टोटल 60,500, क्रेडिट साइड पे कुछ है ही नहीं, तो टोटल किया 60,500 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे बच गया, और इसी को हमने नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर। यहां पर एक थोड़ी सी
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ टीचर्स सारे नॉमिनल अकाउंट जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इन नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग नहीं करते और इनका अकाउंट सीधा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो आगे चलकर हम लोग बहुत आगे चल के पढ़ेंगे, वहां पर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप इंटरवली हर महीने या डेढ़ महीने बाद या दो महीने बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, जिस ट्रायल बैलेंस में मैं फाइनल अकाउंट्स नहीं बना रहा, ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए इन नॉमिनल अकाउंट्स को भी हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में शो करना होता है। इस वजह से इनकी भी बैलेंसिंग जरूरी है। कुछ राइटर्स क्या कहते हैं, इनकी बैलेंसिंग जरूरी नहीं है, सीधा इसका टोटल ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दें। लेकिन हमारा मानना यह है, या कुछ और टीचर्स का मानना ऐसा कह सकते हैं, ये है कि इनकी भी बैलेंसिंग करेंगे तभी इस ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा तभी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो, इसलिए इसकी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसकी बैलेंसिंग छोड़ भी सकते। 60,500। नेक्स्ट बैंक अकाउंट की टोटलिंग आपके सामने है। डेबिट साइड पे बच्चों 50,000 प्लस 8,000 58,000 है, क्रेडिट साइड पर 16,600 प्लस 5,000 प्लस 8,000 करीब करीब 29,000 है। तो डेबिट का टोटल ज्यादा है 58,000, इसको दोनों साइड पे लिख लें। और फिर डेबिट साइड के टोटल में से ये जो क्रेडिट साइड की फिगर्स हमने पोस्टिंग की है इसको माइनस कर लें, बैलेंस 28,400 बच जाएगा। इसको बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे और उसको अगले महीने की पहली डेट को बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से हम लोग ब्रॉड डाउन करके ले जाएंगे 28,000। इस तरह से हर अकाउंट की बैलेंसिंग आपको करनी जरूरी है। सेल्स अकाउंट देखें, सिर्फ क्रेडिट साइड पर है 65,000, डेबिट पे कुछ है ही नहीं, टोटल लिखा, बैलेंस कैरिड डाउन बचाया, अगले महीने की पहली डेट को May 1st को यहां पर नहीं लिखा, May 1st को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 65। इसी तरह से सूर्य का आप अकाउंट देखें, डेबिट साइड पे बच्चों करीब 30,000 रुपए, ठीक है, उसके बाद सॉरी क्रेडिट साइड पे है 30,000 रुपए और डेबिट साइड पे है 10,000, 1,000 और 8,000, इससे बैलेंस बच गया बच्चों करीब 11,000 रुपए। यहां पर मिसप्रिंटिंग है, यहां पर मैं लिख देता हूं, बैलेंस बचा 11,000 रुपए, 11,000 रुपए बैलेंस है। इसको बैलेंस कैरेट डाउन किया और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000। इसी तरह से राकेश का आप अकाउंट देख सकते हैं, राकेश के डेबिट साइड पर 25,000 है, क्रेडिट साइड पर सिर्फ 10,000 है, टोटलिंग करीब 25,000 दोनों साइड पे रखा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 15,000 रुपए बच गया, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को टू बैलेंस ब्रॉड। प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ डेबिट साइड पर है 16,600, क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस कैरेट डाउन बच गया और उसी को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे बैलेंस ब्रॉड। अनिल्स लोन अकाउंट सिर्फ क्रेडिट साइड पे 8,000 है, डेबिट पे कुछ नहीं है, तो बैलेंस डेबिट पर बच गया, बैलेंस कैरेट डाउन, उसको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिया। इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड सिर्फ क्रेडिट साइड पे है 1,000 रुपए, डेबिट पे कुछ नहीं है, इसी का टोटल किया और बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट पे बच गया और इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे कर दिया। इसी तरह से बच्चों ड्रॉइंग्स अकाउंट है बच्चों हमारा, ड्रॉइंग्स अकाउंट सिर्फ डेबिट साइड पे 5,000, इसको बाय बैलेंस कैरेट डाउन किया क्रेडिट साइड पे और फिर टू बैलेंस यानी कि डेबिट साइड पे डाल दिया। स्टेशनरी सिर्फ डेबिट साइड पे है तो बाय बैलेंस क्रेडिट साइड पे बचा और उसको अगले मंथ की फर्स्ट डेट को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसी तरह से दोनों नॉमिनल अकाउंट बच्चों, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट सिर्फ डेबिट साइड पे है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे किया और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके शो कर। ये हमने जो किया ये थी हमारी लेजर बैलेंस। जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड लेजर बैलेंसिंग, ये लेजर बैलेंसिंग करने के बाद अब हम आपको ट्रायल बैलेंस की तरफ ले चलते हैं और इसका ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट ओके? ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। ओके।